नमस्कार दोस्तों, सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। कोई भी सर्किट है, चाहे कोई एसएमपीएस है, चाहे कोई ट्रांसफार्मर से बनी हुई सप्लाई है, सभी के अंदर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो कैपेसिटर ये लगाए जाते हैं वो किस हिसाब से लगाए जाते हैं, कितने एम्पियर की पावर सप्लाई में कितने एमएफडी का कैपेसिटर हमने लगाना है, तो वो सारा इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इसी प्रकार की हम वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, पहले तो ये बात करते हैं कि जो भी कैपेसिटर हमने लगाना है, किसी भी सप्लाई के लिए हमने लगाना है, तो जो कैपेसिटर हम लेंगे उसकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए आपने कोई 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, उसके लिए आपने कैपेसिटर सेलेक्ट करना है कि कौन सा कैपेसिटर हम लगा सकते हैं। तो जितनी भी वोल्टेज जो सोर्स होगा हमारी, उसकी जो वोल्टेज होगी आउटपुट, उसका डबल हमने कैपेसिटर लगाना है। मान लीजिए जो ट्रांसफार्मर है हमारा, वो 12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई दे रहा है हमें, तो हमने जो कैपेसिटर लगाना होगा इसके लिए, वो कैपेसिटर होगा उसकी जो वोल्टेज होगी, तो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो सोर्स से डबल होनी चाहिए। लगभग मान लीजिए 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, तो हमने जो कैपेसिटर लगाना है वो 24 वोल्ट का होना चाहिए, लेकिन 24 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं होता, तो इसलिए इससे बड़ा 25 वोल्ट का कैपेसिटर हम लेंगे। तो वोल्टेज का डबल कैपेसिटर हम लगाएंगे, जितनी भी वोल्टेज पर हमें कैपेसिटर को यूज करना है उससे डबल की वोल्टेज का हम कैपेसिटर लगा देंगे। कई जगह ऐसा भी होता है, 12 वोल्ट की जगह 16 वोल्ट का कैपेसिटर भी, 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए 16 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगाया जाता है। लेकिन ये लगा भी सकते हैं, लेकिन जो ये लगा रहे हैं डबल वोल्टेज हम करके लगाएंगे, तो जो इसकी लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी और इसकी लाइफ है वो कम होगी। चल जाएगा, बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम तक जो चलने वाला है इनमें से, वो डबल जिसकी वोल्टेज होगी वो ही चलेगा ज़्यादा। तो हमने डबल वोल्टेज भी लगा सकते हैं और इस प्रकार हम थोड़ा बढ़ाकर भी लगा सकते हैं। तो अगर डबल वोल्टेज का कैपेसिटर लगाएंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, और थोड़ा बढ़ाकर हम वोल्टेज वाला कैपेसिटर लगाते हैं तो चलेगा तो वो भी, लेकिन उसकी लाइफ है वो उतनी नहीं रहेगी। जो कैपेसिटर लगाना है वो हमें जितनी भी आउटपुट वोल्टेज होगी हमारे पास, तो उसका डबल करके हमने कैपेसिटर लगा देना है। मान लीजिए 12 वोल्ट था तो 25 वोल्ट का लगा दिया, 5 वोल्ट है तो 10 वोल्ट का कैपेसिटर आप लगाएंगे, 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है तो 10 वोल्ट का हमने कैपेसिटर लगाना होगा। तो अब बात करते हैं कि कितने एम्पियर पावर सप्लाई बनाने के लिए हमने, या कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर है उस पर कितने एमएफडी का कैपेसिटर हमने लगाना होता है। तो ये चीज़ इसके दोस्तों, वोल्टेज जो है हमने सेलेक्ट कर ली है, वोल्टेज जितनी भी होगी आउटपुट उसका डबल वोल्टेज का कैपेसिटर हम ले लेंगे, और उसका जो एम्पियर है एम्पियर के हिसाब से हमने अब एमएफडी सेलेक्ट करनी है। तो मान लीजिए कोई भी 300 से लेकर 400 मिली एम्पियर का आपके पास में करंट है, कोई ट्रांसफार्मर है, चाहे वो 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, कितना भी है, और इसके लिए आप कैपेसिटर लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो कैपेसिटर होगा वो 220 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर हमने लगाना होगा। इसके बाद में बात करते हैं 400 से लेकर 600 मिली एम्पियर करंट है, तो इसके लिए आप 330 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाएं। वोल्टेज है वो डबल हो जाएगी, जितनी भी है वोल्टेज डबल का कैपेसिटर लगा देंगे। इसके बाद में है, अगर हमारे पास जो सोर्स है कोई ट्रांसफार्मर है या एसएमपीएस है, उसका जो एम्पियर है वो 600 से लेकर 800 मिली एम्पियर तक है, तो हम इसके लिए 470 माइक्रो फैरड के कैपेसिटर लगा सकते हैं। ये जो कैपेसिटर होते हैं इनका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो डीटीएच का जो एसएमपीएस आता है, इसके अंदर यही कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर जो सप्लाई होती है वो एम्पियर होता है वो बहुत कम होता है, तो वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। या फिर कोई सप्लाई अगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए 7805 जो रेगुलेटर आईसी है, 7812 है, इससे हम जो भी पावर सप्लाइयाँ बनाते हैं उनके अंदर ये जो कैपेसिटर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो
एम्पियर की जो क्षमता होती है वो कम होती है, तो ये छोटे कैपेसिटर हैं यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं, एक एम्पियर का मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, तो एक एम्पियर का जो ट्रांसफार्मर है उस पर हमने 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना होता है। वोल्टेज डबल हो जाएगी कैपेसिटर की, ट्रांसफार्मर जितना भी आउटपुट दे रहा है उसका डबल वोल्टेज का कैपेसिटर लगाएंगे, और एक एम्पियर के लिए हम 1000 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं, 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है मान लिया हमारे पास, तो हमें इसके लिए 1800 माइक्रोफेरेड से लेकर 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना है। यही मिलते हैं वैसे दो, तो या तो आप 1800 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा सकते हैं या 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। इसके बाद में 3 एम्पियर पावर सप्लाई है हमारे पास, तो 3 एम्पियर के लिए हम 3300 से लेकर 4700 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हम लगा सकते हैं। कई जगह क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटर को पैरेलल और सीरीज में जोड़ा जाता है। मान लीजिए जो एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं, 4440 IC वाला है, इनके अंदर कई जो एम्पलीफायर जो बोर्ड होते हैं उनके अंदर जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार मान लीजिए पॉजिटिव सप्लाई है, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई है, तो इस प्रकार क्या किया जाता है, कैपेसिटर है वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं हमें मिल जाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, देख लीजिए, कोई भी अगर कैपेसिटर है हमें उस वैल्यू का नहीं मिल पाता है तो कैपेसिटर को हम पैरेलल में जोड़कर उनका MFD बढ़ा सकते हैं। MFD कैसे बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए कोई बोर्ड है हमारे पास 4440 IC का बोर्ड है या कोई और है, तो उसके लिए हमें कैपेसिटर लगाना है। हमारे पास 1000 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं, दो हैं, लेकिन हमें लगाना कितना था, 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाना था हमने, ये 25 वोल्ट के हैं, 25 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेरेड के हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, लेकिन हमारे पास 2200 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर नहीं है या 1800 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कैपेसिटर हैं इनको हम पैरेलल में जोड़कर, इस प्रकार पैरेलल में इनको जोड़ेंगे तो इनसे जो टोटल जो MFD होगा, पैरलर के अंदर कैपेसिटर जोड़ते हैं तो इनकी MFD है वो टोटल जो MFD होगी दोनों की जुड़ जाएगी। तो मान लीजिए इस प्रकार हमने दोनों को जोड़ दिया तो इनकी जो MFD हो जाती है वो 2000 माइक्रोफेरेड हो जाती है। तो ये जो 2000 माइक्रोफेरेड का जो कैपेसिटर बन गया, इनको एक एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर हम इस प्रकार पैरलर के अंदर जोड़कर इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो सीरीज में जोड़ते हैं, कई जगह सीरीज में जोड़ा हुआ मिलता है कैपेसिटर, तो वहां पर कैसे होता है, सीरीज में अगर कैपेसिटर जोड़ रखा है तो हमने वहां पर क्या होगा, MFD नहीं बढ़ेगा, वहां पर वोल्टेज बढ़ जाएगी, वोल्टेज है वो डबल हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास 25-25 वोल्टेज के दो कैपेसिटर थे और 1000 माइक्रोफेरेड के थे ये कैपेसिटर, तो इन्हें अगर हमने सीरीज में जोड़ दिया है तो सीरीज में जोड़ने पर क्या होगा, ये जो इन पर टोटल हम सप्लाई दे सकते हैं वो अब 50 वोल्ट की दे सकते हैं, 50 वोल्ट की सप्लाई हो जाएगी, टोटल इन पर 50 वोल्ट दे सकते हैं और जो माइक्रोफेरेड है वो इनका 1000 ही रहेगा। तो ये 1000 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर इस प्रकार बन जाता है। तो अगर कोई कैपेसिटर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो बता रहा हूँ कैपेसिटर, इनको सप्लाई के हिसाब से जितना भी एम्पियर करंट है उनको जोड़कर भी आप बना सकते हैं। तो इसके बाद में बात करते हैं, 5 एम्पियर की जो सप्लाई है वहां पर कितना MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है, 4700 से लेकर 5600 MFD का कैपेसिटर है हम 5 एम्पियर की सप्लाई के लिए यूज करते हैं, यही देखने को मिलता है। अगर अब जो आपको बताया था मैंने पैरलर में छोड़कर, हम हमारे पास ये बड़े कैपेसिटर कम देखने को मिलते हैं लेकिन ये जो छोटे जो कैपेसिटर हैं इनका यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर बड़े कैपेसिटर नहीं है हमारे पास तो आप पैरलर में छोड़कर भी 5 एम्पियर की जो सप्लाई है वो बना सकते हैं। तो 5 एम्पियर की सप्लाई के लिए
4700 से लेकर 5600 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर हम लगा सकते हैं। इसके बाद में 6 एम्पियर की पावर सप्लाई, इसके लिए 5600 से लेकर हम 6800 माइक्रोफेरड के कैपेसिटर है वो लगा सकते हैं, 5600 का भी लगा सकते हैं और 6800 का भी लगा सकते हैं, और यही है वो 7 एम्पियर में भी लगा सकते हैं हम, तो ये भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में 8 एम्पियर है चाहे 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर सप्लाई हम बना रहे हैं तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, अब 10000 माइक्रोफेरड हो गया या क्या कर सकते हैं, 10000 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर हमारे पास नहीं है तो हम 5600 के 2 माइक्रोफेरड के 5600 माइक्रोफेरड 5600 माइक्रोफेरड दोनों को पैरेलल में लगाकर हम 10 एम्पियर की सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो इनका जो टोटल जो इनकी एमएफडी हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 11200 के करीब हो जाता है। तो इस प्रकार आपने पैरेलल में भी जोड़कर आप एमएफडी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास में कम वोल्टेज का कैपेसिटर है तो आप उनको सीरीज में जोड़कर उनकी वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इस वीडियो के हिसाब से आप कोई भी एसएमपीएस है चाहे कोई ट्रांसफार्मर की सप्लाई है तो उनके अंदर आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों छोटे छोटे कैपेसिटर और होते हैं, मान लीजिए 50 वोल्ट का, 1 यूएफ का, जो पिको नैनो फेराड में ऐसे आते हैं, तो वो किस किस सर्किट के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज़ करने होते हैं हमें, अगर आप कहोगे कमेंट में मुझे बता देना तो मैं उन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, यदि नए हैं चैनल पर और आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपको कोई लाभ मिल सकता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद।